बाबू अह रिप्लाइड सिमिलर गेमट्स आपस में फ्यूजन करते हैं ना बेटा तो एक जायगोट बनता है और वो जायगोट जो है ना वो डिप्लॉयड होता है और वो क्वाड्री फ्लैजिलेटेड होता है इसके अंदर कितने फ्लेजिला होते हैं चार फ्लेजिला होते हैं इसे कुछ को कहते हैं क्वाड्री फ्लैजिलेटेड जायगोट आफ्टर पीरियड ऑफ स्विमिंग एंड रेस्ट जायगोट लूजेस इट्स फ्लैजिला एंड बिकम्स स्टेशनरी जब लूज करती है बेटा तो वो बॉटम में सेट हो जाती है एंड इट अंडर अब ये देखो जब जायगोट जर्मिनेट करती है तो वो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करती है जब स्पोर जर्मिनेट, जर्मिनेट करता है तो क्या पैदा करता है गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है तो ये फर्क है इसमें कि ये स्पोर के गेमेट के थ्रू जायगोट बनाती है और बेटा और उसके बाद स्पोरोफाइट पैदा होता है ठीक और वो स्पोर में से गेमेटोफाइट पैदा होता है अब ये देखिए आप इसके स्ट्रक्चर ये है गेमेट्स जब गेमेट का ठीक है तो ये बनता है जाएगोड्स। और जाएगोड्स जब जर्मिनेट करता है तो ये बनता है स्पोरोट अब ये इसमें दिखाता हूं मैं आपको जो पहली तस्वीर दिखाई ना वो बिल्कुल उसी के अंदर आप देखें तस्वीर के अंदर ये ये गेमेटोफाइट्स अब ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हर इसका सेल थेलस को छो इसको होल्ड फास्ट को छोड़कर बाकी जो इसका पूरा थेलस है ना इस थेलस का हर सेल प्रोड्यूस करता है गेमेट्स और इसके जो गेमेट होते हैं वो होते हैं बाय बायफ्लेजिलेटेड गेमेट्स ये देखिए आप हर एक के पास कितने फ्लेजिला हैं दो जब गेमेट जर्मिनेट कर मतलब कि गेमेट कुछ वक्त स्विमिंग करते हैं उसके बाद डिफरेंट प्लांट से निकले हुए गेमेट आपस में फ्यून करते हैं ये देखो इनका फ्यूअन इन गेमिट ठीक है और ये देखो सिंगेमिया कर हुई और उसके बाद फिलहिला बा, कितने हैं वन टू थ्री फोर जी बाबू तो मुगाल पे कही जायगोट

ठीक है बाबू तो इसका नंबर अभी अभी तक ये तेरह और तेरह अभी देखो ये छब्बीस अच्छा ये जो बन ये जो बन गई अब जर्मिनेट करेगी ना तो उसके हर सेल में भी छब्बीस 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 होगा घड़ो होंगे छवि नंबर नंबर है ना ये दौरान क्सुअल इन अलवा देखो हमने अभी अभी पढ़ा कि इसकी दो जनरेशन हैं, एक को आप कहते हैं और दूसरी को आप कहते हैं कितनी है दो अब यह दोनों जनरेशन एक दूसरे को अल्टरनेट करती है एक दूसरे को रिप्लेस करती है इसलिये इसलिये इसको क्या इनको क्या बोलते हैं इन सबसे पहले आते हैं डिस्टिंग एंड रेगुलर आइसो है बाबू आइसो आइसो मीन सेम मार्फा मीन शेप तो इनमें जो मतलब कि होती है ना वो इनकी दोनों की शक्लें सेम होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं बेटा किसकी स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट की दोनों की सेम है ना तो इसलिए कहते हैं इनको कि रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन स्पोरोसमेंट होती, होती है ओके अब देखो बोथ जनरेशन और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट डिफर इन क्रोमोसोम नंबर पहले मैंने बताया था कि मॉर्फोलॉजिकली तो सेम है लेकिन क्रोमोसोम नंबर में डिफर करते हैं अब देखें गेमेडोफाइट विथ थर्टीनोज नंबर वाइल स्पोर नंबर ये देखें आप ओके ये है इनकी लाइफ साइकिल अब देखो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं स्टार्ट करते हैं स्पोरोट से यह स्पोरोड है अच्छा, मतलब क्या था डिप्लॉयड नंबर ठीक अच्छा ये बाबू माइमोस के जरिए ये स्पोर पैदा करता है ना तो इसके ये होल्ड फास्ट को छोड़ के पूरे थे स्पोर बनते हैं अच्छा जब स्पोर लिबरेट होते हैं इनकमिंग टाइड इनको हिट करती है बॉडी को तोड़ देती है लहर पानी की तो ये स्पोर सारे निकलते हैं और जब स्पोर निकलते हैं ना तो उनकी होती है जर्मिनेशन जर्मिनेटिंग स्पोर्स देखो बेटा जर्मिनेट करेंगे और हर स्पोर में से क्या पैदा होगा गेमेटोफाइट मिसाल ये दो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट प्लांट के जो स्पोर्स हैं जर्मिनेट कर रहे हैं ये मेल गेमेटोफाइट इसमें से फीमेल गेमेटोफाइट मिसाल के तौर पर अच्छा ये मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के क्रोमो जानवर कितनी है तेरह नंबर कितनी है तेरह ठीक है बाबू हाँ जी बाबू तो बात कर रहा था जब यह तो स्पोर्स, स्पोर्स, के जरिए और ये जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो हर स्पोर में से ये गेमेटोफाइट पैदा हो रहा है अब देखो इनकी शक्ल इनकी शकल आपको सेम लग रही है ना तो सेम सिमिलर है आइसोमॉर्फिक कहते हैं अच्छा जॾहिं पुटु वरी गेमेटो फाइट मैच्योर थी वेंदो न होल्ड फास्ट के छॾे करे बाक़ी जेको थियल सां मुकमिल उन मां वरी गेमेट ठहंदा माइटासिस जे प्रोसेस सां अहिड़ो प्रोसेस माइटासिस माना हिन में क्रोमज़ोम नंबर चेंज न थींदो घटि न थींदो साॻियो ई रहंदो जहिड़ो हिन जो तेरहं हिन हिनेर जो बि तेरहं अच्छा डिफरेंट प्लांट्स जे निकिरणे वारे गेमीट्स जो हैं इनको मिसाल फीमेल गेमेट कहते हैं इनको मेल गेमेट कहते हैं जब ये पानी में तैरते तैरते करीब आते हैं ना तो इनकी होती है फर्टिलाइजेशन ये एक दूसरे के साथ आके मिलते हैं तो क्या बनता है जायगोट ठीक है और जायगोट मैंने पहले बताया था

ये भी देखें आप इसमें सेम टू सेम तस्वीरें वही है ठीक है ये देखो स्पोरोफाइट स्पोर पैदा स्पोर कर रहा है फिर स्पोर जर्मिनेट गेमिडोफाइट्स गेमिडोफाइट गेमिट गेमिट निकलते है। हैं जैगोट जैगोट जर्मिनेट होती है तो ये वही बाबू ये भी वही है स्पोरोफाइट फिर ये स्पोर पैदा करता है फिर ये गेमोडोफाइट बनते हैं गेमिट बनते हैं और गेमिट क्या नाम है फ्यून करते हैं जैगुड बनता है जैगुड जर्मिनेट करता है और उसके बाद दोबारा ये स्पोरोफाइट ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लाइफ साइकिल ऑफ उलवा ओके बाबू अब बात करते हैं युगलिना की युगलिना इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटोक्टिस्टा इट इज टिपिकल प्रोटोजोन दैट है बोथ एनिमल एंड प्लांट लाइक कैरेक्टर्स ये बाबू एक टिपिकल ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों कैरेक्टरस्टिक हैं ये टिपिकल प्रोटोक्ट्रिस्ट है इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं एनिमल लाइक करेक्टर्स भी हैं तो प्लांट लाइक करेक्टर्स भी हैं बाबू इसके बॉडी के अंदर तो इट हैज वेरी लॉन्ग फ्लेजिलम दैट प्रोपेल द बॉडी विच इज इन्वॉल्व्ड बाय फ्लैक्बल इनवेल्प बाय मेड फ्लैक्ल प्रोटीन बाबू हिंदी बारा सेल वाल कौन थी थीं सेल मेम्ब्रेन कौन है का पर हमें बारह एक फ्लैक्बल पेलीकिली है पुटो जिन बॉडी के या प्रोटीन बहरा बेड़ल होंगी पुटो तो कहना कि जानदार है जिनमें बई कैरेक्टर है एनिमल लाइक कैरेक्टर भी अस प्लांट लाइक कैरेक्टर भी अस ये देखो बाबू ये प्रोटोक्रिस्टा प्रोटोक्रिस्टा है लेकिन ये यूग्ना यूगिना में लॉन्ग फ्लैजीलम है ठीक है और ये इसकी क्या कहते हैं इसको कहाँ गया पेलीकिल पहला नंबर पर ये इसकी पेलीकिल ठीक है और दूसरे नंबर पर क्या है न्यूक्लियस लाल कलर में और ये क्लोरोप्लास्ट ठीक है थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे में। ठीक है है ठीक और फिफ्थ नंबर पे आई स्पॉट्स इसके थ्रू ये मतलब के लाइट को डिटेक्ट करता है और कंट्रेक्टाइल वे क्यूल इसके अंदर मौजूद है बेटा तो ये है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर यूगलीना की ये भी इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है यूगलीना की ये भी बॉडी स्ट्रक्चर बेटा की तो यूगलीना वो ऑर्गेनिज्म है जो दोनों कैरेक्टर प्रजेज करता है प्लांट लाइक भी एनिमल लाइक भी